मर्चेंट, FBM। FBM क्या है? FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट का मतलब है कि अमेज़ॉन आपको ये ऑप्शन देता है कि आप जो है एज अ मर्चेंट अपनी जो है वो प्रोडक्ट की डिलीवरी भी खुद करें और इसे जो है वो अपने ही वेयर हाउस पे रखें, अपने वेयर हाउस से ही कस्टमर को डिलीवर करें, डिलीवरी भी खुद करें, तो इसे फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कहा जाता है। तो इसमें होता ही है कि इसमें जो है वो आपके सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। अमेज़ॉन जो है वो सिर्फ आपसे प्रोडक्ट जो आप सेल करते हैं उसकी जो है वो $1 या जो भी फीस बनती है वो कट करता है। तो ज़्यादातर जो लोग हैं यहाँ से, पाकिस्तान से और दूसरे एशियाई ममालिक से जो FBM करते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर ये FBM यहाँ से लोग करते हैं, US मार्केट में FBM करते हैं। तो उससे होता ही है कि ये लोग क्या करते हैं, ड्रॉप शिपिंग में ज़्यादा FBM यूज़ होता है। ज़्यादातर ड्रॉप शिपर जो अमेज़ॉन पर ड्रॉप शिपिंग करते हैं वो FBM का तरीक़ेकार यूज़ करते हैं। इसमें वो क्या करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर का लिस्टिंग कर देते हैं, प्रोडक्ट कहीं से भी देख के, क्या कहते हैं, कैलकुलेशन करके, सैम्स क्लब से या वॉलमार्ट से देख के, उसके चार्जेस अमेज़ॉन से उसको कंपेयर करके और उसको जो है लिस्ट कर देते हैं अमेज़ॉन पे। तो होता ही है कि जब कस्टमर का ऑर्डर आता है तो वो आपके पास आता है ऑर्डर, और आप उसी ऑर्डर को जो है वो कॉपी पेस्ट करके उसको सैम्स क्लब से उस प्रोडक्ट को या वॉलमार्ट से उस प्रोडक्ट को या किसी भी ऑनलाइन मार्केट से उसको ख़रीद के आप जो है वो कस्टमर के शिपिंग एड्रेस पे उसको शिप कर देते हैं, डिलीवर कर देते हैं। और तो आपके जो भी चार्जेस हैं डिलीवरी के वो भी नहीं लगते, और ड्रॉप शिपर ज़्यादातर इसको यूज़ करते हैं क्योंकि डिलीवरी भी वो ख़ुद ही सैम्स क्लब वाले, वॉलमार्ट वाले करते हैं। लेकिन अमेज़ॉन चूँकि इस चीज़ पे बड़ा सख्त एक्शन लेता है कि कस्टमर के पास जो है अमेज़ॉन की पैकिंग में सामान अगर ना गया, अमेज़ॉन की पैकिंग ना हुई, वॉलमार्ट की पैकिंग हुई, सैम्स क्लब की पैकिंग हुई, तो इसकी वजह से काफ़ी अकाउंट पाकिस्तान में डीएक्टिवेट किए गए हैं, अमेज़ॉन ने डीएक्टिवेट किए हैं सिर्फ इसी वजह से कि बाकी काम।